चंडीगढ़ से आए चोरों का गिरोह रतनपुरा में पकड़ा गया। साथियों नमस्कार, इस समय पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक में। एक ऐसा कथित नहीं, आपको सच्चाई बताएंगे। आज भी बुलडोजर कितना भी बड़ा हो, लेकिन आज भी चोर सक्रिय हैं, चोर सफल हो रहे हैं। बुलडोजर जहां भी चलता है, डर केवल बुलडोजर कागजों में है कि बुलडोजर बाबा, लेकिन आज भी चोर अपना काम कर ही लेते हैं, चोरी कर ही लेते हैं। एक ऐसे ही कथा कथित नहीं, सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। रतनपुरा ब्लॉक के भीमपुरा मोड़ पर शिवजी गुप्ता के घर रात को 12 बज रहा था। उस समय कुछ चोरों ने इस घर में घुसे और चोरी करने का बड़ा प्लान बना रखे थे। जब ये चोर घर में घुसे हैं तो यहाँ के कुछ लोग, जिनका नाम भी बताएंगे, कुछ लोग उनको पकड़ने में भी सक्रिय रहे। भाई अब जिनके पास कुछ है ही नहीं या कुछ हो भी तो अपना जीविका चलाने के लिए ये धंधा करते हैं गल्ले का, और उसमें चोर सक्रियता के साथ घुसे थे। सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ से चाबी लेकर गए गाड़ी का, और आपको शिवजी गुप्ता जिन्होंने बहादुरी अपना दिखाया है, उस बहादुरी को मेरे चैनल से सलाम। जिनका नाम हम बता रहे हैं बार बार, शिवजी गुप्ता, उनसे आपको डायरेक्ट मिला रहे हैं, उनसे बातें होंगी। भैया आपने बहादुरी को किस तरह, चोरों को चोरी करने का नाकामी किस तरह आपने अपने बहादुरी को दिखाते हुए किए हैं, और कितने चोर थे आप, चोरों से लड़े तो कैसे लड़े भैया आप, शिवजी गुप्ता जी से बात होगी। आइए भैया बात बताइए चैनल के माध्यम से लोगों को। यहाँ पर आए सोए थे और आकर हम कम्बलों के सो गए थे, और वो यहाँ एक कागज था पूरा अटैची में, और यहाँ ले आकर गिरा दिए सब। उसके बाद दरवाजा पूरा खोले, दरवाजा खोले हैं, दरवाजा खोल के दरवाजा बंद रहता है दरवाजा बंद रहता है, घुस गया ना। तो क्या नाम है दराजा के, उसको खोले चाबी में था दो पिकअप का, एक पिकअप का चाबी एक लिया चोर, एक पिकअप का वो, और हम लोग हम यहाँ से निकले, हम जगे हमारा मोबाइल लेकर भाग रहा था, और हम जाए वहाँ से दौड़ा कर उधर पकड़े तो हम दो बार गिर गए। अच्छा। उसके बाद में एक बाइक था, उस बाइक से पीछे पीछे गए और जंगल में गए, उधर है क्या नाम की स्टेशन के सामने सुवान है, उसमें कैमरामैन भैया यही डिग्गी था, खोलिए ये डिग्गी था, देखिए इसमें शायद पैसा था और 3-4 हज़ार रुपया का नोट फटा था, वही था, वही 3-4 हज़ार पैसा। देखिए चोरों का सक्रियता, चोरी करने में वो सफल रहते हैं, आए दिन हमेशा सफल रहते हैं, लेकिन आपने ये है शिवजी गुप्ता, इनके बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपना जान जोखिम में डाल करके चोरों से कर दिया मुकाबला, और चोर भागने में भी कुछ कामयाब हो गए, लेकिन कुछ चोर भाई पकड़े गए। शोर शराबे सुन करके कुछ लोग भी आ गए। आप भैया कब जाने हैं चोरों का ये? अरे हम तो भाई फोन हुआ तो 12 बजे हमें मालूम हुआ, तो हम लोग आए, और फिर सुबह आप लोग चले, तो माध्यम से एक बात बता दें कि आप हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, ये हमेशा इस रतनपुरा में जहाँ चोरी हुई, इनका भी यही घर है। इन्होंने भी आपने कब सुने हैं कि चोरी हुआ? तो उसी समय हमने सुने, आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो चोर बाहर थे या वो बाहर ही दिखाई दे रहे हैं? आप पुलिस बल कब आई थे? 12:30 बजे आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दें कि शासन चुस्त है लेकिन प्रशासन सुस्त है। बुलडोजर बाबा की तेजी से बुलडोजर चल रही है, लेकिन यहाँ के प्रशासन सोए रहते हैं, जो भी हो होता रहे ये लोग देखते हैं।
व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, ये हमेशा सचेत रहते हैं और उस बात को आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, चोरी की बात। जब 12 बजे रात में शिव जी गुप्ता एंड अरविंद गुप्ता जी के घर में चोर घुसे थे और चोरी करने वाले इधर से भागे थे। किधर भागे थे भैया? इधर आइए भैया, इधर दिखाई देंगे। ये देखिए, बता दें, चोरों को घर वाले दौड़ाते दौड़ाते यहाँ तक ला दिए। यहाँ तक लाने का मतलब ये है, यह जंगल झाड़ है। यहाँ चोरों ने अपने हथियारों से या कुछ भी करने के लिए चोर तैयार हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ये लोग बड़े सतर्क, जिनकी बहादुरी का हमने सलाम किया है, शिव जी गुप्ता, अरविंद जी गुप्ता और इनके घर के जितने भी सदस्य रहे, बड़े तेजियों के साथ, बड़े अपने बल के साथ इस चोरों को यहाँ तक खेदार के लाए और एक चोर पकड़ा गया, एक चोर पकड़ा गया, भाग गया। जिसमें ये देखिए, जंगल रात में 12 बजे आने का मतलब आप लोग जान ही जाइए, देख लीजिए कि भाई चोर किस प्रकार से आए होंगे चोरी करने और उनके पास क्या क्या रहा होगा। अब शिव जी, अरविंद जी जानते होंगे भाई मुझे इस यहाँ तक हम लोग पहुँचाए हैं, दौड़ाए हैं, और बताएंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ चोरों ने सफल हो जाते हैं चोरी करने में। ये महज पुलिस बूथ चौकी यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी होगा। अब यहाँ आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ चोर सफल है या पुलिस, आप देखिए। यहाँ ये चोर 50 मीटर की दूरी है पुलिस बूथ, और 50 मीटर की दूरी पर ही चोर आकर के चोरी करना शुरू कर देते हैं। वो आखिर में आपको बताएं, कमेंट करें। ऐसा है कि चोर को चोर पकड़ा गया था इस दुकान में, चोरी करने के बाद जो है कि बगल जो है, पहले यहाँ हुआ था, आप पहले यहाँ चोरी करके तोड़ करके ताला दोनों जो है कि थाने पर ले गए दरोगा जी, और मतलब और उधर से जो वहाँ पर जो शटर खोल करके कैसे हेल गए हैं उनके घर में, गुप्ता जी के, शिव जी के, और शिव जी के घर में रहने के बाद वो लोग चहेट करके एक चोर को रेलवे की जो है वहाँ पर जो है उसको पकड़े हैं। हमको तब उधर से गाड़िया जो गाड़िया खड़ी है फोर व्हीलर, आप अभी है, अभी है चोरों की गाड़ी है, वही चोरों का बताया किसी गाड़ी से हम लोग आए हैं, और जो है कि अल्लाह रहे तो देखे कि हमारा दरवाजा खुला है तो आकर देखे भीतर का दृश्य तो इसका सब तोड़ ताड़ दिए है, सब ये देखे तोड़ ताड़ करके रख दिए है, दिखाइए भैया उधर सब, क्योंकि हम तो हटा दिए, साफ कर दिए, मैं तोड़ ताड़ करके फोर व्हीलर गाड़ी जिसका नंबर आप लोग देख करके स्क्रीन पर पता लगा लेंगे या जान जाएंगे यह गाड़ी कहाँ की है। जहाँ की गाड़ी रही होगी वहीं के चोर रहे होंगे, इससे पता चल रहा है कि इस गाड़ी का नंबर है चंडीगढ़। चोर भी रहे होंगे चंडीगढ़ का, एक चोर पकड़ा गया, सूत्रों के माध्यम से बताया गया कि एक चोर पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि मेरी गैंग बड़ी गैंग है, हम लोग अपने गाड़ी से स्वयं आते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चोरी करके हम लोग बच जाते हैं, लेकिन सलाम उस शिव जी का करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके चोरों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा।